बढ़ रही है महंगाई और आम जनता परेशान है। आज हम बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर। आप देखिए, इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और यहाँ पर लोग पेट्रोल भरवा जरूर रहे हैं, लेकिन इनके मन में क्या है ये इन लोगों से ही जानेंगे। पहले आपसे जान लेते हैं, आप पेट्रोल लोगों को देते हैं तो कीमतें आज की क्या हैं? कीमत सर 88.60 रुपया है। कल क्या थी? कल 88.41 रुपया था। लगभग 19 से 20 पैसे। हाँ जी जी, बढ़ोतरी जारी है। किसी को नहीं पता होता कि घर से निकलते हैं तो क्या रेट है तेल का और कब बढ़ जाए, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी हो रही है सर, देख रहे हैं आज की महंगाई कितना बड़ा, 80 रुपये हो गया लीटर जो है पेट्रोल आपका, 80 के ऊपर जा रहा है। 88 रुपये? 88 रुपये करीब जी। बहुत परेशानी हो रही है सर। परेशानी हो रही है? बहुत बहुत सर। अच्छा, रोजाना ये जो बदलती हुई जो कीमतें हैं ये आम जनता को सोचने पे मजबूर कर रही है कि क्या है, कल क्या रहा होगा और आज 19 पैसे बढ़ गया, 20 पैसे बढ़ गया? जी जरूर। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं जो कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए। सर, आप पेट्रोल भरवाने आते हैं पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है उस पर आपका क्या कहना? बताओ भाई। रंजीत जी बताइए। कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए क्या कहना है जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है। देखिए, सरकार की डिसीजन है और सरकार अपने अकॉर्डिंगली, उसे लग रहा है कि अभी बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए, वो प्रॉपरली डिसीजन ले रही है। हमें लगता है हम लोगों को सरकार के साथ जाना चाहिए। सरकार के साथ जाना चाहिए। इन लोगों को ये भी लगता है कि सरकार के साथ जाना चाहिए, लेकिन जब आम आदमी घर से निकलता है तो उसे ये पता नहीं होता कि आज के तेल की कीमतें क्या हैं। युवा हैं यहाँ पर पेट्रोल भराने पहुँचे हुए हैं, आप बताइए तेल की कीमतें क्या युवाओं को प्रभावित कर रही हैं, जो बढ़ोतरी है? मतलब है वाले। क्या कह रहे हैं आप? जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं क्या युवा भी इससे प्रभावित है? नहीं नहीं प्रभावित है। और भी लोग हैं, आप बताइए पेट्रोल और डीजल आप लोग भरवाते हैं, कीमतें बढ़ रही हैं? हाँ बढ़ रही हैं। आम जनता पर कितना प्रभाव? बहुत ज़्यादा प्रभाव है। किस तरह का प्रभाव? अरे इतना महंगे, कौन चलाएगा गाड़ी, कहाँ से पैसा आएगा इतना, कोई धंधा तो है नहीं। आपको बता दें कि बनारस व्यापार का भी केंद्र कहा जाता है, यहाँ पर व्यापारी भी आते हैं और जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो खाद्य पदार्थ भी महंगे हो जाते हैं, खाद्य पदार्थ की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे में सरकार को सोचना होगा, सरकार को जगना होगा इन कीमतों को स्थायी करने में, कम करने में। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।